My name Assalamu Alaikum, the 1962 Constitution. Constitution का background, constitution making और salient features. तो last video में background में हमने देखा था कि October 7, 1958 को जो chief martial law या chief of army staff अयूब खान ने martial law लगा दिया था, जिसकी वजह से जो 1956 का constitution था वो abrogate हो गया था. तो फिर अब जब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ये बने अयूब खान, तो सबसे बड़ा जो मेजर टास्क था वो यही था कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए. कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया जाए क्योंकि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था वो पहले ही इंस्टेबिलिटी पास्ट में उसकी वजह से हो चुकी थी और आइन जो था वो एक मनसूख हो गया था. तो अब ये देख रहे थे कि कोई ऐसा सिस्टम लाया जाए, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन सेट किया जाए जिसकी वजह से ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट हो डेमोक्रेसी की, यानी जमहूरियत आस्ता आस्ता डिवेलपमेंट हो जाए. अब ये था बेसिकली बैकग्राउंड कि अयूब खान जो थे वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए थे. तो उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पहले ही फेल हो गया, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी हो गई है. तो अब जो है ना कुछ ऐसा डेमोक्रेसी जमहूरियत का निज़ाम लगाया जाए जिससे आस्ता आस्ता जो हो वो जमहूरियत डिवेल्प हो. कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस, अब जो गवर्नमेंट थी उसने बेसिक डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन थे वो अक्टूबर 1959 में इंट्रोड्यूस करवाए. अब इस अंडर दिस सिस्टम 40,000 जो बेसिक डेमोक्रेट थे लोकल, जिनको काउंसलर कहते हैं, वो इलेक्टेड हुए ईच प्रोविंस में, यानी 40,000. तो दे हैव परफॉर्म, उनके अब स्पेशल फंक्शन थे, उनको स्पेशल फंक्शन लोकल गवर्नमेंट में परफॉर्म करने थे, यानी गांव मोहल्ले की सतह पे, लोकल सतह पे रोल इन डेवलपमेंट वर्क में. उन्होंने फिर एक्ट किया एज अ इलेक्टोरल कॉलेज के तौर पर और इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट एंड द नेशनल असेंबली के उन्होंने इलेक्शन फिर उनके लिए एक कॉलेज के तौर पर परफॉर्म किया. अब इलेक्शन जो थे हुए थे बेसिक डेमोक्रेसी के, वो हुए थे दिसंबर 1959 और जनवरी 1960 में. उसके बाद जो प्रेजिडेंशियल रेफरेंडम हुआ वो हुआ जी बाय द इलेक्टेड बीडी मेंबर. जो बीडी मेंबर जो यानी बेसिक डेमोक्रेट्स जो सिलेक्ट हुए उन्होंने फिर रेफरेंडम किया ऑन फरवरी 1960 को. फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन जो था वो एस्टेब्लिश हुआ फरवरी 1960 को अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस शहाबुद्दीन, यानी फार्मर चीफ जस्टिस जो पहले चीफ जस्टिस थे उनके अंडर जो है ना, अब वो जस्टिस शहाबुद्दीन के चेयरमैनशिप के अंडर जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन बना. अब उन्हें टास्क दिया गया कि उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है. इस लिहाज से सबसे पहले तो उन्हें एग्जामिन करना जी कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जो पार्लियामानी सिस्टम है वो फेल क्यों हुआ है. फिर उन्होंने कहा कि रिकमेंड करेंगे वो अ न्यू सिस्टम कीपिंग इन व्यू जीनियस ऑफ लाइव पीपल, फिर स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इंटरनल कंडीशन ऑफ द कंट्री, नीड ऑफ डेवलपमेंट, यानी पूरे वो कंट्री की चीज़ों को व्यू करेंगे, लोगों के कंडीशन को, लोगों की एजुकेशन, फिर कंट्री की कंडीशन और डेवलपमेंट की क्या क्या जरूरत है, इन सब को देख के वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट जो थी वो फिर इनने प्रेजेंट की थी मई 1960 को, जिसको दो जो कमेटीज थी उन्होंने रिव्यू किया. अब रिपोर्ट के अंदर कमेटी जो थी उन्होंने द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्ट, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ड्राफ्ट किया. अयूब खान ने जी अनाउंस किया ये कॉन्स्टिट्यूशन मार्च 1962 को. अब जो इलेक्शन थे टू द नेशनल असेंबली एंड प्रोविजनल असेंबली वर हेल्ड इन अप्रैल. जब मार्च 1962 को कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अनाउंस हो गया, उसके बाद अप्रैल और मई 1962 में रिस्पेक्टिवली, पहले अप्रैल में हुए नेशनल असेंबली के जो थे इलेक्शन और देन फिर प्रोविजनल असेंबली के हुए मई 1962 में. जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्फोर्स्ड हुआ जी जून 8 1962 को, यानी जून 8 में 1962 को जो है वो अनाउंस हुआ, जबकि जो पहला था वो हुआ था 23 मार्च 1956 को. देन फिर जो है ना मार्शल लॉ अब विदड्रॉ हो गया क्योंकि अब प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था. अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया यानी 1962 का, उसमें 250 आर्टिकल्स थे और 5 स्केजुअल थे. सैलेंट फीचर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी जो नुमाइयाँ इसकी खुशियात थी, टाइटल ऑफ द स्टेट, सबसे पहले स्टेट का जो टाइटल दिया गया वो रिपब्लिक एंड इस्लामिक रिपब्लिक यानी दिया गया नेम इसको. देन प्रेजिडेंशियल सिस्टम जो था वो इसमें दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में. प्रेजिडेंशियल सिस्टम से ये मुराद है कि आप जो प्रेजिडेंट था वो बहुत पावरफुल था, सारी पावर्स जो थी वो तकरीबन प्रेजिडेंट के पास थी. अफेयर ऑफ स्टेट जो थे वही कंट्रोल करता था. अब सबसे पहले कुछ उसके लिए जो कंडीशन रखी गई, एक तो वो मुस्लिम होना चाहिए, देन उसकी एज जो है वो 40 इयर्स होनी चाहिए, वो क्वालिफाइड होना चाहिए नेशनल असेंबली के लिए, देन वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड होगा और उसका जो पीरियड होगा वो पीरियड ऑफ टाइम 5 इयर्स होगा, यानी जो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में था वही था. अब अगर प्रेजिडेंट जो है वो 8 इयर्स ऑफिस में रहता है देन वो री इलेक्शन करवा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ नेशनल असेंबली एंड द प्रोविजनल असेंबली, नेशनल असेंबली और प्रोविजनल असेंबली के अप्रूवल से दोबारा री इलेक्शन करवा सकता है.
नेशनल जो असेंबली थी उसको पावर दी गई कि वो इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को। होवर बेशक ये डिफिकल्ट था अचीव करना, लेकिन वो इम्पीच उसको कर सकते हैं, यानी उसको अपनी पोजीशन से हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट जो था वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन एक काज पे कि वो दोबारा उसके रिलेक्शन करवाएगा। पावर जो दी गई प्रेसिडेंट को, अब उसमें ये था पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पावर ऑफ द प्रेसिडेंट में एक तो प्रेसिडेंट जो था वो फोकल पॉइंट था, तमाम जो भी एग्जेक्टिव हैं, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स हैं, यानी उन सब का जो था वो फोकल पॉइंट था। देन कैबिनेट जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी प्रेसिडेंट को। फिर ऑल जो की अपॉइंटमेंट थी वो प्रेसिडेंट करता था। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो था वो इशू कर सकता था। प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता था स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन द इन द कंट्री, कि वो कंट्री में इमरजेंसी की सूरत हाल भी जो है वो डिक्लेयर कर सकता। तो प्रेसिडेंट के पास ये यानी सारी पावर्स थी इस 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि उन्होंने देखा था कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो है फेल हो गया, उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी आई है, तो उनने फिर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली वन हाउस थी, उसमें पैरिटी रखी गई, यानी दोनों जो विंग्स थे उन कंट्रीज के उनके दरमियान में यकसानियत की गई। 150 सीट्स थी इसमें, और जो 6 सीट्स थी वो फीमेल के लिए थी, वीमेन के लिए, और ऑल वर इलेक्टेड, वो सारे इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते थे। अब जो नेशनल असेंबली के लिए जो लिमिटेड एज थी, मिनिमम एज वो 25 ईयर थी, यानी 25 ईयर का बंदा जो था वो इलेक्ट हो सकता था। लेजिस्लेटिव पावर में अगर बात करें तो नेशनल असेंबली के पास जो है वो पावर थी लॉ मेक करने की, यानी ये लॉ को मेक कर सकते थे, लेकिन फाइनली जो था उसको रेटिफाइड जो था वो जो प्रेसिडेंट था वही करता था। अब प्रेसिडेंट किसी बिल को साइन करता या रिजेक्ट कर सकता था, या फिर उस बिल को रिजेक्ट कर सकता या रिटर्न कर सकता था। फाइनेंशियल पावर की बात करें तो यहाँ भी जो फाइनेंशियल पावर थी नेशनल असेंबली के पास वो लिमिटेड थी, क्योंकि वो सिर्फ जो थे ना वो ओनली न्यू एक्सपेंडिचर कुड बी वोटेड, वो सिर्फ न्यू एक्सपेंडिचर को वोट कर सकते थे। नेशनल असेंबली जो थी वो कुड नॉट, वो कंसोलिडेट जो फंड था उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती थी, और ना ही रिकरिंग एक्सपेंडिचर को। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में अब दो प्रोविंस थे, ईस्ट और वेस्ट, यानी बंगाल और दूसरी साइड पे ये पाकिस्तान जो आजकल है वेस्ट पाकिस्तान। देन फिर ओनली वन लिस्ट इसमें दी गई, सेंट्रल लिस्ट जो थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया। प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात करें तो जो गवर्नर थे वो हेड होंगे प्रोविजन के, और गवर्न करेंगे तमाम जो द प्रोविंस विद द हिज कैबिनेट, जो गवर्नर होंगे वही अपनी कैबिनेट के साथ प्रोविंस को हेड करेंगे। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो डायरेक्टली होती थी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेजिडेंट। देन स्ट्रॉन्ग सेंटर था, प्रेजिडेंट जो था वो पावरफुल था, प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर थी कि वो प्रोविजनल अफेयर्स को भी मैनेज कर सकता था। केस ऑफ इमरजेंसी जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो टेक कर लेगी डायरेक्ट कंट्रोल प्रोविंस का इमरजेंसी के स्टेट में। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी अब क्या होगा, नेशनल सॉलिडेरिटी वुड बी ऑब्जर्व, नेशनल सॉलिडेरिटी यानी होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ बैकवर्ड पीपल वुड बी लुक्ड आफ्टर, कि जो लोग पसमानदा इलाकों में रहते हैं उनके इंटरेस्ट को देखा जाए। अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, पार्टिसिपेशन इन नेशनल लाइफ नेशनल लेवल पे, एजुकेशन जो देखी जाए और वेल बींग पीपल की। फिर इस्लाम वुड बी इम्प्लांटेड इन डे टू डे लाइफ, और जिंदगी की तमाम जो डे टू डे लाइफ अफेयर्स हैं उनमें इस्लाम को इम्प्लांट किया जाए। फंडामेंटल राइट्स का मैंशन किया गया कि जो लोगों के प्रॉपर्टी यानी बेसिक उनके राइट्स हैं, उनकी जान माल का ये हिफाजत, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन किया गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो फंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी राइट्स हैं वो सबको मिले, एजुकेशन मिले, राइट टू लिव, और फिर पॉलिटिक्स पार्टीज पहले अलाउड नहीं थी, ये फिर जो है ना इंट्रोड्यूस कराएगी 1962 के पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में। इस्लामिक प्रोविजन में अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रॉपर उसमें शामिल किया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रीएम्बल के तौर पर शामिल किया गया, और फिर कुछ मजीद भी जो इस्लामिक प्रोविजन थी उनको भी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में ऐड किया गया, एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया गया। फिर एडवाइजरी काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया, जिसमें 5 to 12 मेंबर थे, और वो उनको वाज रिकमेंडेटरी बॉडी, वो रिकमेंड करते थे चीज़ें इस्लाम के लिहाज से। इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया, डिज़ाइन किया गया इस तरह ताकि इस्लाम फॉर असिस्टिंग द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम सोसाइटी इन ट्रू इस्लामिक लाइन, ताकि बेहतरीन इस्लामिक जो कानून है लॉज है उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसलिए जो है वो इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया गया ताकि मॉडर्न रिसर्च भी की जाए। और वर्किंग अगर इसकी देखी जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन 1962 का था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन रिमेंड इन फोर्स ये June 8, 1962 टू March 25, 1969 तक जो है वो इन फोर्स रहा। उसके बाद दोबारा ये इसको भी 1969 में एब्रोगेट कर दिया गया। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को।